नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया में सबके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसके महत्व को समझने और खाद्य सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करना है। टाटा मोटर्स आज देश में एक बड़ा धमाका करने जा रही है, जहां खबर है कि टाटा मोटर्स आज अल्ट्रोज का रेसर वेरिएंट लॉन्च करेगी। टाटा इसकी कीमत की भी घोषणा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आजम खान के घर में जीत हासिल करने वाले सपा सांसद मोहिबुल्ला नदवी जीत के बाद अपने ही पार्टी के नेता और रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान पर तंज कर बैठे, जहां मीडिया से बात करते हुए मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि जेल सुधार गृह है, जेल में कैदियों को सुधारा जाता है। उनके इस बयान के बाद आजम खान के समर्थक भड़क गए और नदवी के बयान की आलोचना करने लगे। बिहार के जाने माने यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद एक चौंकाने वाला ऐलान करते हुए कहा कि मैं अब अपनी सियासी पारी के साथ पुराने काम पर लौटूंगा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव खत्म हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए, इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन टूट गया है, जहां सुनीता केजरीवाल के नेतृत्व में सीएम आवास पर हुई विधायकों की बैठक में निर्णय लिया गया कि आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। हरियाणा में लगातार 5 बार सरकार बनाने वाले इंडियन नेशनल लोकदल का मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का दर्जा छिन सकता है। बता दें कि 26 साल पहले 1998 में 12वीं लोकसभा चुनाव के दौरान बढ़िया प्रदर्शन के कारण इनेलो को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी, लेकिन प्रदेश में दोनों क्षेत्रीय दल इनेलो और जजपा को इस बार लोकसभा चुनाव में सामान्यजनक वोट प्रतिशत नहीं मिलने के कारण इनकी मान्यता खत्म हो सकती है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला जवान का नाम कुलदीप कौर निकला, जहां आरोपी कुलदीप कौर ने थप्पड़ मारने की कारण बताते हुए कहा कि इसने कहा था न कि 100-100 रुपए में धरने पर बैठते हैं, ये बैठेगी यहां पर, मेरी मां धरने पर बैठी थी जिस दौरान इसने ये बयान दिया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। आज संसद भवन में NDA के संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद PM नरेंद्र मोदी सहित NDA नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं खबर है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को शाम 6 बजे हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे शामिल हो सकते हैं, जहां श्रीलंकाई राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया गया है। इसके साथ ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेसी नेता राहुल गांधी आज बेंगलुरु के एक कोर्ट में पेश होंगे, जहां बेंगलुरु में राहुल गांधी के खिलाफ BJP MLC केशव प्रसाद ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने स्थानीय समाचार पत्रों में राहुल गांधी द्वारा BJP को भ्रष्ट बताने वाले विज्ञापन को लेकर ये याचिका दाखिल की थी। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक का आज समापन होगा, जिसके बाद गवर्नर शक्तिकांत दास कई फैसलों का ऐलान करेंगे। जानकारी के अनुसार गवर्नर इस बार रेपो रेट में बदलाव नहीं करेंगे। BJP शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है, जहां 7 जून यानी आज BJP हेडक्वार्टर में सभी मुख्यमंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बड़ी बैठक होगी और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जिन राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा है, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ को लेकर पार्टी के रुख पर सबकी नजर है। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी आज ग्लोबल राइस समिट 2024 को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम बंजारा हिल्स स्थित ताज कृष्णा होटल में राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी संस्थान USA द्वारा आयोजित किया गया है। पश्चिम बंगाल में मतगणना के 2 दिन बाद भी कुछ जगहों पर राजनीतिक झड़प की घटना सामने आई।
जहां ताजा मामला दुर्गापुर और वर्धमान का है, जहां पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के भिड़ंत में आपस में कई जगहों पर लाठी डंडे चले और कई लोग घायल हो गए। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने साफ कहा है कि वह एनडीए में शामिल नहीं होंगे। वहीं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी ऐसा ही कुछ ऐलान किया। गुजरात से चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल राज्य में अफसर किसी काम के लिए सहयोग की बात करने के बदले लोगों से किस्तों में रिश्वत की मांग करने लगे हैं। भ्रष्टाचार का यह नया तरीका ट्रेंड में है, जहां गुजरात एसीबी ने ऐसे कई मामलों का पर्दाफाश किया। चौंकाने वाली बात यह है कि गुजरात सरकार के भ्रष्ट अधिकारी अब लोगों को बैंक ऋण की तरह ईएमआई में रिश्वत का विकल्प दे रहे हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए सरकारी नौकरियों की सभी भर्तियों की जांच करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के प्रमुखों को आदेश जारी किया है और कहा है कि पिछले 5 साल में भर्ती हुए कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच की जाए। संभल कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में बाढ़ की तैयारियों के संबंध में स्टेयरिंग ग्रुप की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के आचार संहिता समाप्त होने के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। जिस तरह से प्रदेश में गर्मी की शुरुआत में ही जंगल में आग लगने की घटना बढ़ी, चार धाम यात्रा के शुरुआत में अनियंत्रित हुए, उससे सरकार नाखुश थी और अब जिलों से लेकर सचिवालय स्तर पर कई अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं। झारखंड के प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर होने वाली नियुक्ति में 12,798 अभ्यर्थियों ने चौथे पत्र के अंतर्गत विषय का विकल्प नहीं दिया था। अब आयोग ने इन सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में चौथे पत्र के विषय का विकल्प चुनकर 10 जून तक आयोग में आवेदन देने को कहा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे 220 में से 198 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, जहां राज्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच महामुकाबला हुआ और अन्य सभी उम्मीदवारों को यहां मतदाताओं ने खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में बड़ा हादसा हुआ, जहां गाय को निकालने के लिए कुएं में उतरे 3 युवक की जहरीली गैस के चपेट में आने के कारण मौत हो गई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस कंगना रनावत के थप्पड़ कांड पर कांग्रेस के मंत्री और मंडी से चुनाव लड़ने वाले विक्रमादित्य सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों के द्वारा संसद की सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। जम्मू कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आतंकी फंडिंग मामले में आरोपित इंजीनियर राशिद ने संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। इसके लिए उसने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।